सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से आ गए एक और नई ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग के साथ, जो कि बहुत ही कमाल और ओपी लेवल का वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल होने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग एक नज़र प्रीव्यू को देख ले, जिसका फुल ट्यूटोरियल दूंगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कैन मास्टर ऐप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास कैन मास्टर ऐप नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको कैन मास्टर का लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कैन मास्टर को ओपन कर लेना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से एक प्रोजेक्ट को ऐड कर लेना है। इस प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपको दोनों फिंगर से इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद फर्स्ट वाले ब्लैक इमेज पर क्लिक करना और रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से इमेज को ऐड कर लेना है। आप जो भी इमेज ऐड करना चाहते हो वो आप इमेज ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास इमेज नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ ऑल टू ऑल इस प्रकार का इमेज मिल जाएगा। फिर से नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना है। फिर से नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से फिर से नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना है। फिर से नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से इमेज को फिर से ऐड कर लेना है। फिर से नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से आ जाना है यहाँ इमेज वाले ऑप्शन में और यहाँ से इमेज को ऐड कर लेना है। फिर से नेक्स्ट ब्लैक इमेज पे क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से इमेज को फिर से ऐड कर लेना है। फिर से नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से इमेज को ऐड कर लेना है। फिर से नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से इमेज को ऐड कर लेना है। फिर से नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से इमेज को ऐड कर लेना है। फिर से नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से फिर से इमेज को ऐड कर लेना है। फिर से नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से इमेज को ऐड कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से जितना भी ब्लैक बैकग्राउंड में सही में इमेज को ऐड करना है। इमेज ऐड करने के बाद आपको फिर से अगला प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से जितना ही ब्लैक बैकग्राउंड है सभी में इमेज को ऐड कर लेना है। अब आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चले आना है और यहाँ से एक बॉर्डर को ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से बॉर्डर को ऐड करना है। तो यहाँ से बॉर्डर को ऐड करते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्पीड ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से बॉर्डर वाले इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से जितना बड़ा वीडियो है वहाँ तक बॉर्डर को हम घींच करके कर देंगे। आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चले आना है और एक बार वीडियो को देख लेना है कि वीडियो किस प्रकार से बना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखने के बाद सेव करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ सेव एज वाले वीडियो पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से वीडियो सेव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।